नया पंडित जी लाएगा मलिष्का की असली सच्चाई सबके सामने, और ऋषि के एंगेजमेंट होने से पहले और ऋषि के मलिष्का को रिंग पहनाने से पहले पंडित कह देगा कि ऋषि की जिंदगी का सबसे बड़ा काल और कोई नहीं बल्कि ये मलिष्का है, जो ऋषि की जिंदगी में आई हुई सबसे बड़ी श्रापित और अशुभ लड़की है, जिसे सुनकर होश उड़ जाएंगे नीलम के। जिस वजह से गुस्से से जब नीलम मलिष्का के पंडित का नाम लेगी और कहेगी कि उन्होंने कहा था कि इस घर की सबसे बड़ी अशुभ लड़की और कोई नहीं बल्कि लक्ष्मी है, तब यह सुनकर पंडित लक्ष्मी की कुंडली मंगवाएगा और नया पंडित लक्ष्मी की कुंडली को देखकर कह देगा कि लक्ष्मी इस घर की सबसे बड़ी शुभ और पवित्र लड़की है, जिस पर माँ दुर्गा का आशीर्वाद है, और जो मलिष्का का पंडित था वो सबसे बड़ा लालची पंडित था, वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए मलिष्का ने उन्हें पैसे खिलाए होंगे और कहेंगे कि अगर विश्वास नहीं होता तो नीलम जी आप किसी और महान पंडित से भी पूछ सकती है, जाकर एक बार अपनी आंखें खोलिए और इस घर के बाहर कई सारे महान पंडित है, उनसे जाकर मिलिए और उन्हें पूछिए कि आपके बेटे की जान इस दुनिया में लक्ष्मी के अलावा कोई नहीं बचा सकता। यह सुनकर नीलम को काफी बड़ा शौक लगेगा, जहाँ पर जब नीलम काफी गुस्से से मलिष्का के सामने देखेगी और मलिष्का की नजरों से दिख रहा होगा कि मलिष्का अंदर ही अंदर डर रही है, इसी वजह से काफी गुस्से से नीलम मलिष्का को पूछेगी क्या ये पंडित जी कह रहे हैं वो सच है, तुमने अपने लाल पंडित जी के साथ हमारे साथ इतना बड़ा खेल किया और हमारे बेटे को पाने के लिए तुमने लक्ष्मी को ही अशुभ बता दिया, जबकि सबसे बड़ी अशुभ तो हमारे बेटे के लिए तुम हो। तब यह सुनकर मलिष्का एक पल के लिए कुछ बोल नहीं पाएगी, लेकिन जब मलिष्का कहेगी कि नहीं आंटी जी मैं आपको सब समझाती हूँ, यह सुनकर नीलम कहेगी कि यह कोई समझाने का वक्त नहीं है और अभी हम बाहर जाते हैं दूसरे और कई सारे महान पंडित से पूछने के लिए कि हमारे बेटे के लिए कौन शुभ है और कौन अशुभ। यह सुनकर मलिष्का कहेगी मैं ही ऋषि के लिए शुभ हूँ। तब यह सुनकर नीलम कहेगी जस्ट शट अप मलिष्का, तुम अपने आप को जितना भी जानती हो उससे कई गुना ज्यादा हम तुम्हें जानते हैं, इसलिए मेरे सामने मलिष्का तुम खिलवाड़ करना ही मत, क्योंकि हमें पता है कि तुम कुछ पाने के लिए कितने लेवल तक और कितनी सारी हदें पार करके नीचे गिर सकती हो। यह नीलम के मुंह से सुनकर मलिष्का के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और नीलम लक्ष्मी मलिष्का और ऋषि तीनों की कुंडली लेकर जब कई सारे महान पंडित से पूछने के लिए जाएगी और सभी पंडितों का एक ही जवाब होगा कि हमने ऐसी लक्ष्मी की कुंडली कभी जिंदगी में नहीं देखी, इसकी कुंडली में क्या शक्ति है, इसके ग्रह काफी ज्यादा मजबूत है, यह जिसकी भी लाइफ में होगी उसकी तो किस्मत खुल जाएगी, और अगर क्या अपने पति के साथ जब जब साथ में होगी तब तब स्वयं यमराज भी उसके पति की जान नहीं ले पाएगा। यह सब सुनकर नीलम के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और नीलम को लक्ष्मी के लिए हर एक पल और हर एक अपने किए का एहसास होगा, और एहसास होगा कि उसे मलिष्का के बारे में सब कुछ पता होने के बावजूद कि मलिष्का लक्ष्मी को नीचा दिखाने के लिए और ऋषि को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है और एक बार भी लक्ष्मी की बातों पर भरोसा नहीं किया और अपने घर के सबसे पुराने पंडित बद्रीनाथ जी को बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया, और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह सब नीलम को अपने मन ही मन किए का एहसास होगा, जिस वजह से नीलम सबसे पुराने पंडित बद्रीनाथ जी को फोन करके घर बुलाएगी और उनसे अपने किए की माफी मांगेगी और मलिष्का को जोर से तमाचा मार देगी, और ऋषि के एंगेजमेंट लक्ष्मी का हाथ पकड़ के लक्ष्मी से माफी मांगकर खुद ऋषि के साथ करवाएगी, और एक साथ आयुष वीरेंद्र से लेकर सोनिया तक सभी लक्ष्मी से अपने किए की माफी मांगेंगे, और बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए क्या नहीं, और नीलम के सामने मलिष्का और उसके झूठे पंडित की सच्चाई आ जानी चाहिए क्या नहीं, और अगर मलिष्का ऋषि की एंगेजमेंट हो गई तो लक्ष्मी को ऐसा पति ऋषि की जान बचानी चाहिए क्या नहीं, या फिर लक्ष्मी को सबको उनके किए का एहसास करवाकर सबसे हमेशा के लिए दूर चले जाना चाहिए। ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक और सब्सक्राइब करें।